यह है गुजरात का एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन सापुतारा, जो मानसून के बाद कुछ ऐसा दिखता है और मानसून और हेवी रेन में कुछ ऐसा। सापुतारा घूमने का सबसे अच्छा टाइम है अक्टूबर से फरवरी, लेकिन हम ये ट्रेवल कर रहे हैं अगस्त के एंड में। ये सफर हम कर रहे हैं सूरत से, जो कि है 155 किलोमीटर का, और ये सफर ज्यादा खूबसूरत था हमारी मंजिल से। यहाँ एक दो दिन से ऑलरेडी पानी गिर रहा था, फिर भी हमने रिस्क लिया घूमने का। ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये पानी सापुतारा के पहाड़ियों से आ रहा है। इतना पानी सिर्फ मानसून में ही देखने को मिलता है। छोटे छोटे वाटरफॉल हर जगह देखने को मिलते हैं। इन पहाड़ियों से इतने सारे वाटरफॉल गिरते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, इन खूबसूरत वादियों को देख के ऐसा लग रहा था कि मंजिल में तो जन्नत है। बहुत पानी भरा ना? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, पानी और बढ़ता गया। ये जो घाट है सापुतारा का, इतना खूबसूरत है कि आपको हर मोड़ पर रुकने का मन करेगा। हम भी हर जगह रुकते चले जा रहे थे। इसी वजह से 4 घंटे का सफर 6 घंटे का हो गया था। जब हम सापुतारा पहुंचे तो पता चला कि हैवी रेनफॉल और फॉग के कारण सारे टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिए गए हैं। देखने के लिए सिर्फ शिव मंदिर और ये लेक रह गया था। बहुत ही झमाझम बारिश हो रही है गाइस। हाँ, और हम इस बारिश में भीगने आए हैं। ये है सापुतारा का मैन मेड लेक, जो सापुतारा का अट्रैक्शन है। हैवी रेन में कुछ ऐसा दिखता है। सापुतारा लेक मानसून में देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन बारिश और फॉग के कारण बहुत ही दिक्कत होती है। रास्ते स्लिपरी हो जाते हैं, फॉग इतना रहता है कि कुछ दिखता ही नहीं है, और इस कारण से सारी एक्टिविटी बंद रहती है। अगर आप सापुतारा घूमने का प्लान कर रहे हैं तो मानसून में अवॉइड करना बेहतर है।